नगरपालिका अध्यक्ष सहित मारपीट करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो करूंगी आत्मदाह। साहिल यादव की मां ने प्रशासन को दी चेतावनी। गत दिनों नगरपालिका में साहिल यादव नाम का युवक जो अपनी बकाया राशि मांगने नगरपालिका गया था, जहां विवाद की स्थिति बन गई और देखते ही देखते सामूहिक मारपीट की घटना हुई। उसके बाद साहिल यादव और उसके भाई को रसूखदारों के इशारों पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया। घटना के बाद युवक के माता पिता परिवार परेशान हैं। अब यादव समाज के लोग मैदान में कूद गए हैं। साहिल यादव समीर यादव को इंसाफ नहीं मिला तो उनकी मां शिव कुमारी यादव मंगलवार को आत्मदाह करेंगी। वहीं सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में यादव समाज के सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर राजनंदिनी शर्मा को सौंपा और नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन सहित अन्य आरोपियों पर FIR दर्ज करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने और समाज जनों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हरदा से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा मतलब यह है कि जो लोगों ने मेरे बेटे की पिटाई करी है, वो जो 10 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए मंगलवार तक, और सुरेंद्र जैन सहित जितने जो आरोपी हैं उनको सबको हथकड़ी होना चाहिए और उनका जुलूस निकाला जाए। कल आपका एक पत्र भी वायरल हुआ था, उसमें आपने धमकी दी। हाँ जी, धमकी दी मैंने। कल तक कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, और बुधवार के दिन हम धरना देंगे, आत्म दहन करूँगी। इस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो कोई बेटों के साथ नहीं होना चाहिए, कोई आम जनता के साथ नहीं होना चाहिए। नगर पालिका में नपाध्यक्ष द्वारा और कर्मचारियों द्वारा एक व्यक्ति को मारा गया था। 10 लोगों ने एक व्यक्ति को पीटा और उसके पास शासकीय कार्य में बाधा डालने का वो भी कर दिया। उसका छोटा भाई है, वो उस टाइम पे चश्मा देने गया था उसको, तो उसको भी बैठा कर 151 लगा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। शासकीय बाधा में कहा करा आप, यदि वो गया है कुछ भी काम, उसके पैसे अटके थे, 4 महीने से लॉकडाउन है, आप भी जानते हो पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो पैसे के लिए गया था, बहुत परेशान हो गया था इस कारण से। आप उसको यदि ऐसा कुछ गलत था, आप उसको FIR करवा देते हैं या पुलिस को बुलवा लेते बाद में। मारना कोई अधिकार थोड़ी ना है। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और हमारे तरफ से FIR करें। कोई FIR करने को तैयार नहीं हुआ नपा अध्यक्ष और कर्मचारियों के ऊपर।